दोस्तों, यह है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का बड़ा ही महत्वपूर्ण हाथरस जिला, जो अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। यह जिला मुख्य रूप से हींग के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। जिले में 60 से अधिक हींग की फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जो प्रदेश का सबसे ज्यादा हींग उत्पादन करने वाला जिला है। हाथरस जिला पहले अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले के हिस्सों का प्रमुख भाग हुआ करता था, जिसके बाद 3 मई 1997 को इसे एक स्वतंत्र जिले के रूप में दर्जा दे दिया गया और जिले का जिला मुख्यालय व कार्यालय हाथरस शहर में स्थित है। हाथरस जिले की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हाथरस जिला उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में बसा हुआ है, साथ ही अपने कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। हाथरस के पूर्व में कासगंज व एटा जिला, पश्चिम में मथुरा जिला, उत्तर में अलीगढ़ जिला और दक्षिण में आगरा जिला स्थित है। 1840 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हाथरस जिले की वर्तमान अनुमानित आबादी लगभग 18 लाख लोगों की है। वहीं इस जिले के लिंगा अनुपात की बात करें तो इस जिले में 1000 पुरुषों पर 880 महिलाओं का लिंगा अनुपात पाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाथरस जिले का नाम मायावती सरकार के समय गौतम बुद्ध की माता के नाम पर महामाया नगर रखा गया था, लेकिन सन 2012 में पुनः इसका नाम हाथरस कर दिया गया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से हाथरस जिला 4 तहसीलों में बटा हुआ है, जो इस प्रकार हैं: हाथरस, सादाबाद, सिकंदरा राव और सासनी हैं। जिले में 7 ब्लॉक, 463 ग्राम पंचायतें और कुल गांव की संख्या 658 है। शिक्षा के मामले में हाथरस जिला काफी आगे रहा है। यहाँ की कुल साक्षरता दर 71.59% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 82% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 59% है। दोस्तों, हाथरस जिला एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था का आय स्रोत वह मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। जिले के रूरल एरिया के लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूँ, धान, मक्का और आलू जैसी फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। यातायात के माध्यम से देखें तो हाथरस जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग जैसे मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, हाथरस जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन व हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन कानपुर दिल्ली मेन लाइन पर स्थित है, जो अपने रेल मार्ग के द्वारा देश व राज्य के कई शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सड़क मार्ग, हाथरस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 509 गुजरती है, जो आगे चलकर इसे राज्य के कई शहरों से जोड़ती है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हाथरस जिले के कुछ खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में, जो इस जिले की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थल श्री दाऊ जी महाराज मंदिर, माँ कंकाली देवी मंदिर, मुरसना का किला, हसन साहब बिलाली दरगाह जैसे कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हाथरस जिले में मौजूद हैं, जिनकी सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए आप यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।